तो दोस्तों आप एक फोन में दो व्हाट्सएप और दो फेसबुक चला सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो मेरे फोन में दो व्हाट्सएप, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये देख सकते हो मेरे फोन में अभी सब नंबर सब दिखाई दे रहा है। और दूसरा जब हम यहाँ पे व्हाट्सएप को ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट कुछ भी आपको अभी दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे नया आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। उसी तरह अगर हम फेसबुक यहाँ पे डबल किए हुए है, देख सकते हो फेसबुक को मेरा पुराना वाला फेसबुक है तो डायरेक्ट यहाँ से ओपन हो जा रहा है। और जो नया वाला फेसबुक हम यहाँ से ओपन करें तो यहाँ पे आईडी और पासवर्ड मांगेगा, यहाँ पे आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो अपने फोन में आप दो फेसबुक और दो व्हाट्सएप कैसे चलाइएगा, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको एक एक पॉइंट समझाकर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि हम अपने एक फोन में दो फेसबुक और दो व्हाट्सएप चला रहे हैं। कैसे हम अपने फोन में दो फेसबुक और दो व्हाट्सएप चला रहे हैं, कैसे हम इस सेटिंग किए हुए, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अपने फोन में सेटिंग ऐप को ओपन कर लीजिए। सेटिंग ऐप को आप ओपन कीजिएगा, उसके बाद जैसे सेटिंग ऐप ओपन हो जाएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको खोज लेना है कि ऐप कहाँ पे लिखा हुआ है। ऐप मैनेजमेंट लिखा होगा या ऐप सेटिंग लिखा होगा या ऐप लिखा होगा। तो मेरे फोन में यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ ऐप लिखा हुआ है, ऐप पे क्लिक करना है। जैसे ऐप पे क्लिक कीजिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर चलाएगा। हो सकता है आपके फोन में कुछ फंक्शन अलग दिखाई दे, लेकिन जो सेटिंग करने का तरीका है ना, बस एक ही तरीका से सभी फोन में सेटिंग दिया हुआ रहता है। हम दूसरा तरीका भी बताएंगे, अगर आपके फोन में ऐप क्लोन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो दूसरा तरीका से आप कैसे खोज सकते हो, वो भी हम आपको तरीका आज बताएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप क्लोन का। ध्यान से इस ऑप्शन को आप देख लीजिए। ऐप क्लोन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ऐप क्लोन पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देख सकते हो आप कौन कौन सा ऐप को क्लोन कर सकते हो, यानी ड्यूअल एप्स बना सकते हो। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको फेसबुक का ऑप्शन है, दूसरे में आपको स्नैपचैट का ऑप्शन है और तीसरे में आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन है। तो यहाँ अभी देखिएगा मेरे फोन में मात्र एक व्हाट्सएप है और एक स्नैपचैट है और एक फेसबुक मिलेगा, दूसरा कोई एप्स नहीं मिलेगा। यहाँ पे ड्यूअल हम अभी नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे हम इस ऐप को यहाँ से ऑन करेंगे तो सभी ड्यूअल हो जाएगा, यानी तीन ही एप्स को हम ड्यूअल कर सकते हैं, यानी दो दो को एप्स बना सकते हैं, दूसरा किसी एप्स को हम ड्यूअल नहीं बना सकते हैं। यहाँ ऐप क्लोन का आपको ऑप्शन मिल गया। यहाँ से हम फेसबुक को ऑन करेंगे तो यहाँ देखिए क्लोनिंग एप्स, ये कुछ सेकेंड के लिए प्रोसेस करेगा और ये ऐप क्लोन हो जाएगा, यानी ड्यूअल एप्स हो जाएगा। तो ये ड्यूअल एप्स हो गया, यहाँ पे देख सकते क्लोन एप से आइकन एडेड, यानी आपके फोन की आइकन पर ये एड हो गया। चलिए हम व्हाट्सएप को भी इसी तरह ऑन कर लेते हैं, ये भी यहाँ से क्लोन हो गया। उसके बाद इसको हम बैक आ जाते हैं, पहले आपको दिखा देते हैं तब दूसरा तरीका भी हम आपको बताएंगे कि आप अपने फोन में कैसे खोज सकते हो। तो देखिएगा पहले मेरे फोन में एक व्हाट्सएप था, अब दो व्हाट्सएप हो गया। अब यहाँ पे एक पहले वाला व्हाट्सएप हम खोलेंगे तो देख सकते हैं इसमें मेरा नंबर उम्बर सब शो कर रहा है, लेकिन यही जो क्लोन ऐप हम बनाए हुए है यहाँ से जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये सिर्फ ब्लैंक अभी दिखाएगा, ताकि इसमें हम कोई भी नंबर अभी एड नहीं किए हुए, ताकि यहाँ पे हम कोई सा भी नंबर को ऐड नहीं किए हुए हैं, इसलिए सिर्फ अभी नया यहाँ से एआई एग्री करने कंटिन्यू करने के लिए कह रहा है। तो इस तरह करें, उसके बाद यहाँ पे हम फेसबुक को भी कलन किए तो यहाँ पे देख सकते हो अब दो दो फेसबुक मेरे फोन में हो गया। अब दो आईडी हम फेसबुक का एक ही फोन में चला सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। पहले वाला हम फेसबुक यहाँ से ओपन करेंगे तो देख सकते हो बहुत आसानी से ये फेसबुक आईडी ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम दूसरा वाला फेसबुक अगर ओपन करना चाहे तो देख सकते हो दूसरा वाला जो क्लोन हम बनाए हुए हैं ये मेरे से आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर कुछ देर प्रोसेस किया हो, देख सकते हो जिस तरह हम नया एप्स डाउनलोड करते हैं सेम तरीका से यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ से हम दूसरा आईडी और पासवर्ड बनाकर इसमें लॉग इन कर सकते हैं। तो एक फोन में दो व्हाट्सएप दो फेसबुक बहुत आसानी से हम चला सकते हैं। अगर आपके फोन में इस तरह का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ऐप क्लोन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप रेडमी एमआई का अगर फोन चलाते हो उसमें ड्यूअल एप्स के नाम से दिया हुआ रहता है। अगर दूसरे ब्रांड का आप फोन चलाते हैं तो आप फिर से सेटिंग को ओपन कीजिएगा। जैसे सेटिंग ओपन कीजिएगा आपके फोन की सेटिंग ओपन हो जाएगा,
यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्च का, ध्यान से देख लीजिए सर्च का। अब इसमें आपको सर्च करना है एप कलोन, चाहे सिर्फ कलोन लिखिएगा, इस तरह कलोन जैसे लिखिएगा, जैसे यहाँ पे कलोन लिखिएगा CLONE कलोन सिर्फ आपको लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो तीन ऑप्शन खुल के आ गया। तो यहाँ पे सबसे ऊपर फोन कलोन है, दूसरा में एप कलोन है, तो आपको फोन कलोन पर नहीं क्लिक करना है, आपको एप कलोन पर क्लिक करना है। जैसे एप कलोन पर क्लिक कीजिएगा वहां पे चलाइएगा, जहाँ एप्स में जाकर एप कलोन में गए थे वहां पे हम डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो गए। तो इस तरह अपने फोन में आप सर्च करके भी खोज सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।